रविवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर आगमन हुआ। इस मौके पर उन्होंने पीपीगंज के नए विकासखंड भरोइया का विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। शिलान्यास कार्यक्रम के पश्चात प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कहा कि प्रदेश और क्षेत्र का विकास हम सबकी जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जनमानस ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करें, जिससे हम अपने आसपास के पर्यावरण को संरक्षित कर सकें। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील किया कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर 15 अगस्त को झंडारोहण के बाद लोग ज्यादा से ज्यादा अपने अपने क्षेत्र में पौधारोपण करें। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्लास्टिक के उपयोग पर भी सख्त रूप दिखाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्लास्टिक से बने सामान पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी बाधक है, जिसे दूर करने के लिए हल्की प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है, लेकिन इसे जड़ से समाप्त करने के लिए 15 अगस्त से प्लास्टिक और थर्माकोल पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। नया विकास खंड चंडा कोडिया और कैंपियरगंज, इन दोनों विकास खंडों से कुछ नया पंचायतों और ग्राम पंचायतों को अलग करके भरोया के नाम पर एक नया विकास खंड बनाया जा रहा है। बाबा सिटी नीचे कीजिए कैमरा भाई। इस विकास खंड के बनने से लगभग 1.5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी और उन लोगों का विकास खंड के माध्यम से, क्योंकि जनता की बुनियादी जो सुविधाएं होती हैं, उनके पेंशन की, उनके राशन कार्ड से जुड़ी हुई समस्याएं, इन सभी समस्याओं के साथ साथ विकास की एक आधारभूत इकाई विकास खंड होने के नाते लगभग 50 ग्राम पंचायतों को इसका लाभ होगा। हमारी सरकार गाँव को बिना भेदभाव से विकास कराने के लिए प्रतिबद्ध है। एक वर्ष में देश के अंदर रिकॉर्ड मात्रा में ग्रामीण क्षेत्र में आवास बनाने, 8,85,000 आवास ग्रामीण विकास विभाग ने बनाए। व्यापक पैमाने पर मनरेगा के माध्यम से जल संरक्षण के तालाब खुदवाने की व्यवस्था करने के साथ साथ अनेक प्रकार के कार्यक्रम तेजी के साथ ग्राम्य विकास विभाग के द्वारा प्रारंभ हुए हैं और विकास किसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए इस 9 सृजित विकास खंड का आज यहां पर शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। मेरा विश्वास है विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और हम विकास कार्यों के माध्यम से आम जन के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन लाने और उनके जीवन स्तर को उठाने में सफल होंगे। देखिए, 3 चरणों में प्लास्टिक को रोका गया है। आज से 50 माइक्रोन के प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। इसके बाद 15 अगस्त से प्लास्टिक के कप, गिलास, प्लेट, चम्मच, ये जितने भी ऐसे उत्पाद हैं, इन सबको पूरी तरह प्रतिबंधित किया जाएगा। थर्माकोल के भी कप, गिलास आदि को रोका जाएगा और तीसरे चरण में हर प्रकार के उस प्लास्टिक को जिसको लोग यूज एंड थ्रो करते हैं, इन सबको पूरी तरह प्रतिबंधित करके प्रदेश को प्लास्टिक मुक्त करने की कार्रवाई, एक अभियान हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है। उसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। प्लास्टिक न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि जीव सृष्टि के स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है और इसलिए प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबंधित करने की कार्रवाई हुई है। पर्यावरण की सुरक्षा और आम जन बेहतर स्वास्थ्य उन्हें उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने 15 अगस्त को पूरे प्रदेश के अंदर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया है और मेरा अनुमान है जो रूपरेखा तैयार हो रही है कि रिकॉर्ड मात्रा में वृक्षारोपण प्रदेश के अंदर होगा, उनका जियो टैगिंग होगा, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी इसके माध्यम से।